हेलो एवरीवन वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड सो बच्चों अभी हम डिस्कस करेंगे एट क्लास साइंस का एक क्वेश्चन पेपर ये करंट सेशन पीटी टी टू एग्जाम का पेपर है ऑफ पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय और सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं फर्स्ट इज अ टेवलप्स डेवलप्स इनटू एन एडल्ट फ्रॉग बाय द प्रोसेस ऑफ टाटपोल डेवलप होता है एडल्ट फ्रॉग में बाय द प्रोसेस ऑफ मेटामॉरफोसिस विच वन ऑफ द फॉलोइंग सोलूशंस विल नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इनमें से कौन सा सोल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा वेजिटेबल ऑयल क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं आयन्स नहीं होते हैं नेक्स्ट वेन अ ग्लास रॉड इज़ रब्ड विद अ पीस ऑफ सिल्क क्लॉथ ग्लास रॉड को जब हम रब करते हैं सिल्क क्लॉथ के साथ देन द रॉड तो दोनों पर ऑपोजिट चार्ज होते हैं ग्लास रॉड ये इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है और क्लोथ सिल्क क्लोथ उसे अब्सॉर्ब करता है क्वेश्चन पूछा गया कौन सा चार्ज है द रॉड सो रॉड बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज वाइल नेगेटिव चार्ज नेक्स्ट इज रिप्रोडक्टिव एज इन स्टार्ट देयर वेमेन में रिप्रोडक्टिव एज स्टार्ट होती है देयर नेक्स्ट इज साउंड साउंड कैन थ्रू कर सकती है थ्रू सॉलिड्स लिक्विड्स एंड गैसेस द नंबर ऑफ न्यूक्लिया प्रेजेंट इन में एक न्यूक्लियस होता है नाउ फिल इन द ब्लैंक्स टाइम टेकन बाई एन ऑब्जेक्ट टू कम्पलीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड एक ऑसिलेशन कम्प्लीट करने में जो टाइम लेता है ऑब्जेक्ट उसे हम बोलते हैं उसका टाइम पीरियड टाइम पीरियड लाउडनेस इज डिटर्मिंड बाय द ब्लैंक ऑफ वाइब्रेशन लाउडनेस डिटरमाइन की जाती है वाइब्रेशन के एम्पलीट्यूड से द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज फ्रीक्वेंसी की ऐसा यूनिट है हॉड्स हर्ट्स इफ यू पास करंट थ्रू कॉपर सल्फेट सोल्यूशन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन से अगर आप करंट पास करेंगे देन कॉपर गेट्स डिपॉजिटेड ऑन द प्लेट कनेक्टेड टू ब्लैंक टर्मिनल ऑफ द बैटरी तो कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा उस प्लेट से जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ एनी डिज़ायर्ड मेटल ऑन अनदर मटीरियल वो प्रोसेस जिसमें हम डिज़ायर्ड मटीरियल की लेयर डिपॉजिट करते हैं किसी दूसरे मटीरियल पर बाई मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रो प्लेटिंग इलेक्ट्रो प्लेटिंग ओके नाउट डज प्योर वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी प्योर वाटर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है क्योंकि वही उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं आयन्स नहीं होते हैं एंड इफ नॉट अगर नहीं करता है देन वॉट कैन वी डू टू मेक इट कंडक्ट आप क्या कर सकते हैं उसे कंडक्टिंग बनाने के लिए उसमें आयंस एड कर सकते हैं और सॉल्ट ऐड कर सकते हैं सो वी कैन एड कॉमन अ पिंच ऑफ कॉमन सॉल्ट एक चुटकी नमक डालकर कॉमन सॉल्ट एन ए सी एल ओके नाउ नेक्स्ट इज वॉट इज मैं क्या है सो वुमेन में रेगुलर मंथली बेसिस पर जो यूटरस वॉल है यूटराइन लाइनिंग जिसको बोलते हैं वो ब्रेक ऑफ होती है अलॉन्ग विद ब्लड वेसल्स इसे बोलते हैं मैं सो मैंट्रुएशन इज द प्रोसेस ऑफ शेडिंग द दूटराइन लाइनिंग ऑन अ रेग्यूलर मंथली बेसिस इन वेमेन ओके नेक्स्ट ना एक्सप्लेन वाई अर चार्ज बॉडी लूजेज इट्स चार्ज इफ वी टच इट विद आर हैंड कोई भी चार्ज बॉडी है अगर आप उसे टच करेंगे हाथों से तो वो अपने चार्ज को लूज क्यों कर देती है अब हमें पता है कि जो ह्यूमन बॉडी है वो कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी की मतलब कि हम इलेक्ट्रिक चार्ज हमारी बॉडी के थ्रू मूव कर सकता है तो आपने अगर किसी चार्ज बॉडी को टच किया है तो जो चार्ज है उस चार्ज बॉडी का वो हमारी बॉडी में ट्रांसफर हो जाएगा जिस पर्सन ने उसको टच किया है और फिर हमारी बॉडी से वो ट्रांसफर हो जाएगा ग्राउंड में जिसे हम बोलते हैं अर्थिंग तो इसे एक्सप्लेन करेंगे आप जितने भी मार्क का एक क्वेश्चन है सो अ चार्ज बॉडी लूजेज इट्स चार्ज इफ वी टच इट विद आर हैंड्स बिकॉज द ह्यूमन बॉडी इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ह्यूमन बॉडी इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टर है दिस मीन्स दैट इलेक्ट्रिक चार्ज कैन मूव थ्रू आर बॉडी सो वेन अ चार्ज बॉडी इज टच्ड वेन वी टच अ चार्ज बॉडी इज टच्ड, द चार्ज द चार्जेस आर ट्रांसफर्ड ट्रांसफर्ड फ्रॉम द चार्ज बॉडी टू ह्यूमन बॉडी जो उसको पर्सन उसको टच कर रहा है टू द बॉडी ऑफ द पर्सन टचिंग इट ह्यूमन बॉडी एंड देन दिसचार्ज द चार्जेस आर देन ट्रांसफर्ड ट्रांसफर्ड फ्रॉम ह्यूमन बॉडी फ्रॉम द बॉडी ऑफ द पर्सन ह्यूमन बॉडी टू द ग्राउंड फिर वो चार्ज ट्रांसफर हो जाता है ह्यूमन बॉडी से ग्राउंड uh, ग्राउंड में दिस प्रोसेस इज नोन एज इज नोन एज अर्थिंग ओके नेक्स्ट नाउ गिव द डिफरेंसिस बिटवीन अगॉड एंड अ फीटर्स ट और फीटस में क्या डिफरेंसेस हैं तो बेबी के डेवलपमेंट की फर्स्ट स्टेज है और फीटस उसकी लास्ट फाइनल स्टेज है बाकी डिफरेंसेस अगेन नहीं गिवन है सबसे पहले तो लिखते हैं कि होते क्या है दोनों बेसिकली। बेसिकलीगॉट फर्टिलाइज एग है जो स्पॉम सेल और एग सेल के यूनाइट होने से बनता है सोगॉट इज इज फर्टिलाइज एग दैट फॉर्म्स वेन अम सेल एंड एंड एग सेल यूनाइट ओके वेर आज सेकेंड डिफरेंस अगर आप कॉलम मेथड से भी उसको करते हैं फिटस क्या है पीटर्स इजेज ऑफ एम ब्रियो एम रियो दैट शोज ऑल रिकोगनाइजेबल रिकोगेबल बॉडी पार्टस ऑफ मेचोर ऑर्गेनिज्म जब सभी बॉडी पार्ट्स उनको आप रिकोग्नाइज भी कर सकें शो होने लगते हैं तो दैट इज वो फाइनल स्टेज है फीटस एक तो यही डिफरेंस हो जाएगा दूसरा स्टेजेस आप बता सकते हैं सेकेंडॉट इज फर्स्ट स्टेजॉट फीटस पहले डेफिनेशन सेकेंड इट इज फर्स्ट स्टेज ऑफ ऑफ बेबीज डेवलपमेंट एंड इट इज फाइनल स्टेज ऑफ बेबीज डेवलपमेंट तीसरा नाम आप बता सकते हैं अगर थ्री मार्क का क्वेश्चन हैल नहीं पर फीटस का फिर कोई नाम आ, सेल वो आप बता सकते हैं उसमें न्यूक्लियस कितने होते हैं आ, या फिर नंबर थ्रीगॉट इज यूनिसेल्यूलर सेल्युलर वाइल फीटस इज मल्टी सेल्युलर ओके नेक्स्ट नाउ द साउंड फ्रॉम अ मस्कीटो इज प्रोड्यूस्ड व्हेन इट वाइब्रेट वाइब्रेट्स इट्स विंग एट एन एवरेज रेट ऑफ फाइव हंड्रेड वाइब्रेशन पर सेकेंड साउंड प्रोड्यूस करता है मॉस्टो जब वो अपने विंग्स को वाइब्रेट करता है फाइव हंड्रेड वाइब्रेशन होती है उसमें एवरेज पर सेकेंड पर वॉट इज़ टाइम पीरियड ऑफ द वाइब्रेशन टाइम पीरियड आपको फाइंड करना है सो so, इसमें नंबर ऑफ़ वाइब्रेशन पर सेकेंड यानी कि फ्रीक्वेंसी है फाइव हंड्रेड और टाइम पीरियड सिंपल होता है वन बाई एफ वन बाई फाइव हंड्रेड यानी कि ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो ज़ीरो एक और ज़ीरो

वो वाइब्रेट करती है तो साउंड प्रोड्यूस होती है सो स्ट्रेच मेम्ब्रेन मेम्रेन सितार सितार में जो स्ट्रिंग्स होते हैं स्ट्रेच स्ट्रिंग्स वो वाइब्रेट करते हैं तो साउंड प्रोड्यूस होती है प्रोड्यूस होती है स्ट्रेच स्ट्रिंग्स और फ्लूट में जो एयर कॉलम्स हैं एयर कॉलम्स वो वाइब्रेट करते हैं तो साउंड प्रोड्यूस होती है नेक्स्ट नाउ सजेस्ट थ्री मेजर्स टू प्रोटेक्ट आर सेल्फ फ्रॉम लाइटनिंग लाइटनिंग से खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए तीन मेजर्स आपको बताने हैं सबसे पहले तो आप क्लोज प्लेस में रहेंगे घर के अंदर या फिर कार में है बस में है जहां पर भी है जो विंडोज हैं डोर्स हैं उनको क्लोज करके रखेंगे और अगर आप किसी ओपन स्पेस में हैं बाहर है कहीं तो खुली जगह पर नहीं रहना है किसी ट्री के नीचे शेल्टर नहीं लेना है स्पेशली जो टॉल ट्रीज होते हैं Uh, उसके बाद जो इलेक्ट्रिक वायर्स हैं टेलीफोन लाइनिंग है मेटल सर्फेसेस हैं उनको टच नहीं करेंगे लाइटनिंग के टाइम पर सो थ्री मेजर्स नंबर वन स्टे इन अ क्लोज्ड प्लेस प्लेस एंड कीप द विंडोज एंड डोर्स क्लोज ओके नंबर सेकेंड Uh, then avoid taking shelter under trees, especially tall trees, and standing in an open field. Field. Then don't touch electric wires. वायर्स टेलीफोन लाइन्स लाइन्स और मेटल सर्फिस सर्फिस स्पेश जो कंप्यूटर्स हैं टीवीज हैं उनको अनप्लग कर देंगे और जितने भी इलेक्ट्रिकल अपलायंसेज हैं उनको उस टाइम पर यूज नहीं करना है ये भी आप लिख सकते हैं तीन ही पॉइंट्स लिखने अवॉइड यूजिंग इलेक्ट्रिकल अपलायंसेस एंड इफ यू आर इन साइड अनप्लग यूर कंप्यूटर्स आन टीवीज ओके नेक्स्ट नाउ राइट नोट्स ऑन सेक्स डिटर्मिनेशन इन अनबॉर्न बेबी शॉर्ट नोट लिखना है सेक्स डिटर्मिनेशन ऑन अनबॉर्न इन द इन द अनबॉर्न बेबी पर सो so, जो सेक्स डिटर्मिनेशन है आप कहेंगे द सेक्स ऑफ द बेबी इज डिटर्मिन बाय डिटर्मिन बाय द सेक्स क्रोमोजोम दैट इज क्रोमोजोम कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द मेल contributed by the male which means if the child is male or female it is completely uh, uh, dependent on male uh, the specific male gamete so either x or y as the specific male gamete that fuses

The baby is girl and if गर्ल then the baby will develop into a boy. Okay. Now last is describe with the help of a diagram an instrument which can be used to detect a charged body. एक इंस्ट्रूमेंट जिसे हम यूज करते हैं चार्ज बॉडी को डिटेक्ट करने के लिए कि उसमें चार्ज है या नहीं इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोस्कोप ये बनवाया भी गया होगा आपको स्कूल में इलेक्ट्रोस्कोप तो आपको डायग्राम बनाना है इलेक्ट्रोस्कोप का और उसकी फंक्शनिंग को एक्सप्लेन करना है विद ए का तो डायग्राम आप करेंगे ऐसे सो ये है इलेक्ट्रोस्कोप इसमें ये एक ग्लास जार आप लेंगे देन यहाँ पर एक मेटल के डिस्क से क्लोज है क्लोज है देन ये एक मेटल रॉड है और नीचे एल्यूमिनियम के दो थिन लीव्स हैं एल्यूमिनियम फॉइल की जब कोई भी चार्ज बॉडी आप ऊपर लेकर आएंगे यहाँ पर मेटल रॉड के पास तो उसके इलेक्ट्रॉन्स फ़्लो करेंगे नीचे और फिर इन एल्यूमिनियम फॉइल में आएंगे जब तक कोई चार्ज बॉडी नहीं है ऊपर पास में तो जो एल्यूमिनियम फॉल है वो नीचे एक दूसरे के पैरल रहेंगे नॉर्मल जैसे ही चार्ज बॉडी आएगी आ, को आपने टच किया तो क्योंकि दोनों ही एल्यूमिनियम फॉयल में सेम चार्ज है और सेम चार्ज जब होता है तो वो एक दूसरे को रेपेल करेंगे एक दूसरे से दूर जाएगी कितना दूर जाती है वो डिपेंड करता है कि जो चार्ज बॉडी है उसके चार्ज की स्ट्रेंथ कितनी है तो इसको पूरा आप एक्सप्लेन करेंगे सबसे पहले तो डिवाइस का नाम ही लिखना है एन इलेक्ट्रो स्कोप इज द डिवाइस यूज टू डिटेक्ट डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक शार्ज ऑन अ बॉडी इट कंसिस्ट ऑफ बताएंगे कि है कैसा रॉड मेटल रॉड विद अटल डिस्क ऑन द टॉप ऑफ अ ग्लास जार और ग्लास बॉटल देन टू थीन लीव्स ऑफ एल्यूमिनियम फॉइल आर अटैच्ड एट द एंड ऑफ मेटल रॉड नाउ इफ पूरा बना किस तरीके से वो एक्सप्लेन करने के बाद इफ अ चार्ज्ड बॉडी बॉडी इज ब्रॉड नीयर द टॉप ऑफ मेटल रॉड धैन जो इलेक्ट्रॉन्स हैं चार्ज्ड बॉडी धैन द इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो फ्रॉम मेटल रॉड टू दू द लीव्स ऑफ एल्यूमिनियम फॉइल ऑफ एल्यूमिनियम फॉइल कॉजिंग दैम टू रिपेल ईच अदर बस ईच अदर एंड देन दमाउंट ऑफ सेपरेशन ऑफ द लीवस कितना वो दूर गई है सेपरेट हुई है एक दूसरे से डिपेंड्स ऑन स्ट्रेंथ ऑफ द चार्ज ओके दैट्स ऑल स्टूडेंट्स ये था एट क्लास साइंस का एक क्वेश्चन पेपर थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग